और फुल गेंद मिस हुई, एक मिल जाएगा रन आउट, रे ये भी रन आउट का चांस था। इतना बड़ा कोइंसिडेंस होता कि उनका भी पहली गेंद पे रन आउट, हमारा भी पहली गेंद पे रन आउट, तो फिर बात ही कुछ और हो जाती। अब पांच में चाहिए 16, करीबी मामला जरूर होगा ऐसे प्रतीत होता है। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट लगती तो यशस्वी जायसवाल यहाँ पर अपना विकेट गवा बैठते और फिर बहुत ही ज्यादा दबाव यहाँ पर वापस अगले पांच गेंदों में होता। बहरहाल फिलहाल यशस्वी स्ट्राइक पर, उमर जाई फिर से यॉर्कर का ही प्रयास करेंगे, हो सकता है वाइड यॉर्कर आपको देखने मिले। वाइड यॉर्कर यहाँ पे भी एक ही रन मिलेगा मेरे विचार में। जो ये गेंद है, तीसरी गेंद, ये डिसाइड कर देगी कि आज वोट किस करवट बैठने वाला है। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, अजमतुल्लाह उमर जाई के हाथ में गेंद, एक बार फिर वही अंदर डालने का प्रयास होगा। अगर ये उनके आर्क में आई तो फिर आउट ऑफ द पार्क जानी चाहिए ये गेंद। चार गेंदे 15 रन जी बिल्कुल, और शुरुआत अच्छी करना बहुत जरूरी होता है जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं 15-16 रन के करीब। पहली तो दो गेंदे बहुत बढ़िया डाली हुई है यहाँ पर अजमतुल्लाह उमर जाई ने। ये ऊंची गई है, दूर नहीं गई है, ये गई है, निकल गई है, ओह निकल गई है। तीसरी गेंद हम कह रहे थे होनी चाहिए बड़ी गेंद, बड़ा प्रहार। अब टीम में चाहिए नो, क्योंकि छह जड़ दिया कप्तान रोहित ने। यॉर्कर करने का प्रयास था, हल्के से चूके, रोहित कहाँ चूकने वाले, आज बहुत ही अच्छे लय में बल्लेबाजी भी की थी, शतक भी लगाया था। और यहां पर सबकी दिलों की धड़कनें जरूर तेज हुई थी क्योंकि गेंद ऊंची पड़ी गई थी, तो समय भी काफी था धड़कनों को तेज होने का। लेकिन इस शॉट में उतनी ताकत जितनी जरूरी। ये तो भी गई है, एक और लीजिए, रोहित शर्मा स्पेशल लीजिए। इस बार ऊंची नहीं थी, इस बार फ्लैट थी, इस बार मिड विकेट पे नहीं, ओवर कवर थी। ओटीटी ओवर द टॉप, ये रोहित शर्मा की खासियत है। आप अगर हल्की सी भी गलती कर देंगे तो दोनों जगह पे मुझक्का लगा सकते हैं। वहां पर यॉर्कर मिस हुआ और कवर के ऊपर से बढ़िया शॉट। तीसरी और चौथी गेंद दोनों बाउंड्री के बाहर, अभी भी वैसे तीन रिजल्ट्स पॉसिबल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है पर अब नहीं, देखिए ये आपने हल्की सी लेंथ मिस की थी, बहुत हल्की सी, पर इस वजह से गेंद ऊंची ज्यादा गई थी। पर ये गेंद फुल टॉस, आज फुल टॉसेस बहुत डली हैं और रोहित शर्मा ने ठीक ठाक धोया है इनको। अब निकल गई है गाड़ी और प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। दो में तीन, यहां एक मिलेगा, अब दो में दो, एक में दो, एक में दो, एक आया तो एक और सुपर ओवर। टीपी कुछ मांगना है मांग ले मेरे भाई, आज कहता है ना जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक सुपर ओवर की मांग कर रहा था, आज शायद दो देखने को मिल जाए। फुल चांस है, जैक दिल क्या बोल रहा है? नहीं सुपर ओवर नहीं होगा, ये तो मुझे पता है, रिजल्ट तो आएगा यहां पर, इसी ओवर में रिजल्ट आएगा, ये बात है। फील्ड से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, वापस अगर आप फील्ड में बदलाव देखोगे, डीप पॉइंट को ऊपर आता हुआ अगर आप देखोगे तो फिर आपको लगेगा जो वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया था पहले, अब वहां से रणनीति थोड़ी बदलेगी। उमर जाई यहाँ पर हो सकता है कोशिश करे कि मिडिल स्टंप लेग स्टंप उस क्षेत्र वाला, उस लाइन वाला यॉर्कर डालने का प्रयास करेंगे। रोहित वहां पर प्रयास कर रहे हैं बताने का, रोहित बाहर जाना चाहते हैं। अब समस्या यह है, रिंकू सिंह को अगर आ गए हैं जो कि
ये याद रखिएगा कि जिस खिलाड़ी ने इस सुपर ओवर में बैटिंग कर ली है वो अगले सुपर ओवर में हिस्सा नहीं ले पाएगा, वो बैटिंग करने नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिंकू सिंह तो यहां सिर्फ भागने के लिए आए हैं। एक गेंद पे दो रन चाहिए, रोहित शर्मा बाहर चले गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, रिटायर्ड आउट, क्योंकि सिर्फ भागने का ही तो काम था यहां पर। देखिए लास्ट बॉल पे जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी सुपर ओवर में तो फिर भारतीय कप्तान थोड़े नाराज थे, यहाँ पर लास्ट बॉल पे अभी अफगानी कप्तान भी यहाँ पर थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या हुआ है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि रोहित क्यों बाहर जा रहा है। ये भी नियम का हिस्सा है, जो पहले हुआ था वो भी नियम का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं रोहित भी कह रहे हैं चलो ठीक है आपने भी कहा सारी हदें पार कर दी तो हम क्यों पीछे हटे। लेकिन ये है कि अगर अब यहाँ टाई हुआ तो फिर रिंकू, यशस्वी, रोहित तीनों नहीं बैटिंग कर सकते, वो कहानी समाप्त है। तो इस गेंद पे भारत को जीतना है, ये दो रन ढूंढ रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि वैसे तो मुकेश भी गेंदबाजी नहीं कर सकते, अजमतुल्ला ओवर जाए भी नहीं कर सकते। आखिरी गेंद दो रन, नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, ये जोर से मारने का प्रयास, रन एक ही मिलेगा, रन एक ही मिलेगा, इट्स अनदर सुपर ओवर, बिलीव इट और नॉट, ये कहानी अभी भी नहीं हुई है समाप्त। 20 ओवर का खेल हुआ टाई, अब सुपर ओवर भी हो गया टाई।